गुड मॉर्निंग फ्रॉम चक्राता। सुबह के बज रहे हैं 8:23 और आज है 23 जनवरी। और यहाँ पे भाई अर्ली मॉर्निंग व्यू देख लो, वाह क्या बेहतरीन है। सुबह का क्या व्यू है, जो असली व्यू है ना वो अभी यही सुंदरता यहाँ की। पूरा एक घंटा हो गया वैसे तो धूप निकले हो भाई, एक घंटे में धीरे धीरे यहाँ तक पहुँची है। कुंजापुरी पे निकल जाती है 7:15 निकल जाती है कुंजापुरी में। वाह ये देखो भाई, आराम से देखो पहाड़। अभी इस गांव पे तो अभी धूप आई नहीं है, अभी तो ठंड लग रही होगी इस गांव के लोगों को, अभी तो उठा भी नहीं होगा कोई, जब धूप निकलेगी तब उठेंगे। उस गांव में तो आ चुकी है पूरी धूप, हमारे रूम की विंडो देखो कैसे होगी, कुछ भी नहीं दिख रहा, इतनी ज्यादा ठंड है भाई यहाँ पे। 10:06 हो रही है, सब अपने कोटेज से बाहर आ चुके हैं और देखो धूप भी पूरे पहाड़ों पे अब आ चुकी है, हर एक गांव पे आ चुकी है। और सब टीम मेंबर्स यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं, सब चाय पी रहे हैं, अभी फिलहाल नाश्ता नहीं बना है। हाँ काम चल रहा है। नाश्ते के क्या कह रहे हैं अभी, और टाइम लगेगा नाश्ते को, टाइम लगेगा। तो इस तरफ भी कुछ कॉटेज हैं, 3 इधर हैं 3 उधर हैं, हम तो इस वाले में रुके थे। काफ़ी अच्छा स्टे रहा, रात का कोई दिक्कत नहीं रही। पर ये सामने देखो कितना प्यारा मंदिर है, उधर इस पूरे पहाड़ पर सिर्फ इकलौता यही मंदिर है। और इस कितना खतरनाक पहाड़ है भाई, ये देखो नीचे होते हैं कुछ कुछ पहाड़ ऐसे भी, ये देखो। अभी हम इस तरफ से आए हैं, इस तरफ से ऐसे ही जाना, नीचे उस तरफ चले जाएंगे चक्राता, फिर इस तरफ देहरादून। यहाँ से भद्राज टेंपल भी दिखता है, ये खास बात है। ठीक है भाई, सब आधा सब हो गए हैं, सब वेट कर रहे हैं नाश्ते का, अभी देख के आता हूँ क्या चल रहा है किचन में। ठीक है भाई, ये किचन वाले बोल रहे हैं कि बस लिया है नाश्ता, अब देखते हैं क्या नाश्ता खिलाएंगे ये। चलो प्लेट तो आ गई है, इसमें क्या चाय। ठीक है भाई, ब्रेकफास्ट आ चुका है यहाँ पे। ये क्या चीज़ है, आलू पूरी चटनी। ठीक है, 10:15 यहाँ से चेकआउट कर दिया है, अभी जा रहे हैं चक्राता। भाई एक बंदे को उल्टी आती है, इसको कल 3 बार करी और मुझे पक्का विश्वास है आज भी करेगा। और रास्ता तो बहुत खतरनाक रास्ता है, यहाँ से 45 मिनट का चक्राता पहाड़ पे, फिर वहां से कम से कम इसको 7-8 बार 10 बार उल्टी आएगी आज। नहीं आएगा, अरे हमें पता है, मुझे मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं ट्रेवलर हूँ, तुम देखना जिसको आता है कोई रोक ही नहीं सकता। 11:20 पे हम यहाँ से स्टार्ट कर दिए जर्नी चक्राता के लिए, लेफ्ट साइड का नजारा। तो यहाँ से देखते हैं चक्राता कितनी दूर पड़ता है। सैनी भाई ने 0 कर दिया है और भाई वही टीम है जो कल दी, और जिसको उल्टी आती है भाई वो बीच में बैठा दिया इन्होंने। मैंने बोला कि बीच में मत बैठाओ, बीच में मत बैठाओ, इसको फिर से बीच में बैठा दिया इन्होंने। भाई यहाँ से देखो पूरा ग्लेशियर व्यू आ रहा है भाई, बेहतरीन व्यू आ रहा है पूरा ग्लेशियर का। हालांकि थोड़ा और जल्दी आते ना तो ये पूरे दिखते। ये विराट खाई है, जंगल आ चुका है यहाँ पे। और भाई ये पाले वाली जगह है, यहाँ पे धूप कम आती है, पूरी सड़क गीली है भाई। रात हम वहाँ पे रुके थे उस टॉप पे, और यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है, वो देखो, ये देखो क्लियर दिखाई दे रहा है, वो देखो क्लियर दिखाई दे रहा है, बढ़िया। अभी हम टॉप पे जा रहे हैं भाई, रास्ते में स्नो मिल रही है, ये देखो दोनों तरफ स्नो पड़ी हुई है, काफ़ी स्नो फॉल होता है इसका मतलब इस इलाके में, अब तक ये मतलब पिघली नहीं है, परसों नरसों रात की है। कुछ सैलानी आए हुए हैं सरदार जी, एंजॉय कर रहे हैं भाई, वीडियो बना रहे हैं। अरे वाह रे वाह, क्या नज़ारा है, बहुत बढ़िया, बहुत भाई, तो बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है ना दोनों तरफ, मतलब अच्छा भाई ये वो हो गया, नहीं तो फिसलती गाड़ी यहाँ पे, ब्लैक आइस बना हुआ है बिल्कुल रोड पे, चिकना चिकनी हो रही है। यहाँ पे चाहिए जो आपकी कार के लिए वो कार चैन होती है ना, टायर चैन, ये देखो बर्फ, यहाँ से भी दिख रहा है वो जहाँ हम रुके थे रात, लगातार जहाँ जहाँ से जा रहे हैं सब जगह से दिख रहा है। अच्छा ये वही वाला रास्ता है जो सामने, और सामने टेंपल, ये देखो कितनी हाइट पर है, बहुत सारी बर्फ आ गई भाई, कार स्किड हो रही है तो बहुत स्लो चलना पड़ रहा है यहाँ पे क्योंकि ब्लैक आइस है ना। ये देखो बंसल जी कितने आराम से चल रहे हैं, उन्हीं के पीछे चल रहे हैं भाई हम तो, क्योंकि अब बर्फ वो मारोगे ना ब्रेक तो सीधी जाएगी। और वो टेंपल ऊपर उसका रास्ता पीछे से था, अभी गए नहीं है भाई। ये मिक्स फॉरेस्ट चल रहा है, बुरास का और पाइन ट्री, इस रूट पे तो मजा आ गया भाई। एक एक लड़के ने पहली बार देखी बर्फ, तूने देखी ना, और तुम दोनों ने पहले देखी है ना, तो इसका इतना मन कर रहा है रुक के बर्फ को छेड़ू और छूने को, लेकिन मैं बोल रहा हूँ हाथ सुन हो जाएंगे, देखने में अच्छा लग रहा है ना, इसका मन कर रहा है, जाओ छोटू जाओ 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 एंजॉय करो जाओ। एक लड़का है हमारी गाड़ी में, ये छोटू, इसको ना बर्फ नहीं देगी, कह रहा भैया मुझे बर्फ छूने दियो,
मैंने कहा बंसल जी रोकेंगे तो रोकेंगे, चलो 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 चलो। सबसे पहले इसको पहली बार जिंदगी में इस लड़के ने बर्फ उठाई है, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, हाथ सुनाएंगे तो तब और भी अच्छा लगेगा। चलो खेलो, इससे खेलते हैं, इसे मारो। जो तुम्हारा दोस्त हो, जो बुरा ना माने उसको मारो। कौन है तुम्हारा दोस्त? ये मारो 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 मारो। अरे मारो, ऐसे ही बोलते हैं तो। अरे फेंको ना, अब तुम इसको मारो। अरे लड़ाई हो गई भाई, लड़ाई हो गई। अरे लड़ाई हो गई, अरे लड़ाई हो गई भाई। यही तो होता है बर्फ का मजा, और क्या होता है। बहुत अच्छा शॉट मारा वैसे, मजा आ गया। कोई कोई पता है क्या करता है, इसको इसको ना ऐसे जैकेट के अंदर डाल देता है। वो गलत होता है भाई, बहुत ठंडी हो जाती है। हाँ, अरे नहीं भाई, बहुत अच्छा जंगल है, बहुत प्यारा, बिल्कुल शांत। चलो भाई फोटोग्राफी करो। सैनी भाई को बहुत शौक है भाई बर्फ का, लैंडोर वाली बर्फ की याद आ गई, ऐसे बैठे थे तब तुम। अरे वाह, बहुत बढ़िया। जहाँ से हम चले थे वहाँ से चक्राता 25-27 किलोमीटर पड़ता है, और अभी हम जहाँ तक पहुँचे हैं सिर्फ मिड में पहुँच चुके हैं, और बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा, सिर्फ 20 मिनट और, फिर यहाँ से चक्राता पहुँच जाएंगे। और मेरे ख्याल से जो स्नो यहाँ मिल रही है ना, आगे नहीं मिलेगी। ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है, और यहाँ पे ना धूप नहीं आती, धूप कम आती, इसलिए यहाँ पे स्नो पड़ी हुई है। देखो मैं आपको ब्लैक आइस दिखाता हूँ, ये होती है ब्लैक आइस। ये ना पूरा ऐसे फिसल रहा है, कोई आदमी आराम से गिर जाएगा ऐसे फिसल के, पूरा फिसल रहा है। इसी पे तो कार फिसलती है। खैर यहाँ पर कार चल चल के यहाँ से हट चुकी है, ब्लैक आइस सिर्फ यहाँ पर है। बहुत डेंजर होती है भाई ये, जब ये जम जाती है ना। ये तो फिर भी ठीक है, इसमें कार नहीं फिसलती है। यहाँ है पूरा वाइट वाइट। मैंने कहा ट्रिप को चार चांद लग गए ये सब देख के, है ना, कंप्लीट होगी ट्रिप। ठीक है, अभी हम ऐसे ऐसे जाएंगे, ऐसे उधर से वो रोड जा रही है। चलो भाई, भाई ये देखो पूरा गीला हो रखा है यहाँ पे पूरा, और हवा भी चल रही है, बहुत ठंड हो रखी है यहाँ पे, है ना। तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ना, पहली बार लाइफ में। अच्छा, पहली बार आए। वैसे आप कहाँ से हो? झारखंड से हो ना? झारखंड से हो भाई। इनको हिमालय में आके और बर्फ देख के बहुत अच्छा लगा। इन्होंने देखा ना, हाथ सुनोगे, हाथ पूरे सुनो, ठंडे हो रहे ना। तू जाए एक बार तो लेट ही जाता। ऑलमोस्ट चक्राता एंटर कर गए हैं, और यहाँ की सुंदरता देखो, ये पूरा कैंट एरिया है, कैंटोनमेंट एरिया। देखो भाई हर जगह लगा हुआ है फॉरनर्स आर नॉट अलाउड, रेस्ट्रिक्टेड एरिया, फॉरनर्स आर नॉट अलाउड। बहुत ज्यादा सख्त आई है फॉरनर्स के लिए यहाँ पे। तो फैमिली यहीं आ गई आपकी? तो भाई मनोज भाई, आप पता चला बसेड़ा से है मुजफ्फरनगर, मेरी चाची जी है कल्पना चाची जी बसेड़ा से है, तो मैंने इनको बताया, वो भी मामा जी है मेरे वहाँ पे। तो भाई आ गए हैं चक्राता, कार यहाँ पे पार्क कर दी है साइड में, अब घूमते हैं यहाँ पे मार्केट। कुछ लड़के टाइगर फॉल जाने की फरमाइश कर रहे हैं, पर हमें पता है कि कितना टफ है, पूरा दिन जाना आना है ना। टाइगर फॉल वैसे है बहुत बढ़िया। हाँ, चक्राता मार्केट में घूम रहे हैं, श्री गुलाब सिंह की मूर्ति लगी हुई है यहाँ पे। यहाँ से आपको कुछ व्यू दिखाता हूँ, ये पेड़ देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। एक हो गया और बस चक्राता में मार्केट में खड़े हुए हैं, थोड़ी देर धूप ले रहे हैं। ये इनका मेन चौक है, ये स्टैंड है। आज तो काफी खाली है यहाँ पे मार्केट, वरना यहाँ पे पूरा भीड़ लगी रहती है, लोग यहाँ बैठे रहते हैं। एक रास्ता ऊपर को जा रहा है उस तरफ, एक ऐसे। तो भाई चक्राता आए और राजमा ना ले चक्राता का, ये है भाई चक्राता का प्योर राजमा। राहुल भाई मिले यहाँ पे बंसल जी के दोस्त, और इनकी एक तो इलेक्ट्रिक की शॉप है यहाँ पे, और भाई ये चांदनाथ जो फेमस मोमो वाले हैं वो इन्हीं की शॉप है, और सेदर होम बोलते हैं ना, सेदर होम, सीडर होम, सीडर होम मेन होटल है यहाँ का, मतलब इस एरिया का मार्केट का। तो भाई इन्हीं का है, कभी आओ तो राहुल भाई के पास आना। राहुल भाई के बराबर में एक शॉप है, ये अमित ट्रेडिंग कंपनी, तो यहीं से भाई हमने ये प्योर राजमा लिए हैं। ठीक है भाई, सवा एक हो गया, ये छोटा सा मार्केट था, और अब ये वापस जा रहे हैं देहरादून की तरफ। रास्ते में शायद विकास नगर रुके हैं, कुछ खाएं पिए, जब तक 2 बज जाएंगे। देखते हैं यहाँ पे कुछ लोकल आया हुआ है क्या। क्या चीज है ये? किलो के साथ 20 के 3, ये क्या चीज है? किनू गलगल यार, कैसी लगती है? अच्छा लोकल है कुछ भैया, लोकल मार्केट का? अदरक मिलेगा आपको, नींबू मिलेगा, ये भी नींबू लोकल है, ये भी लोकल है, वो भी लोकल है। अच्छा अदरक भी लोकल है? लोकल भैया, अदरक यहाँ के लोकल। दिखाना
पे और मारे बजे। अच्छा ये देखो, अरे वाह, कितने दे दो फिर थोड़ा सा, थोड़ा एक किलो कितने का है? एक किलो 100 का है। 100 का है, चलो एक किलो कर दो मेरे लिए। लेट्स मूव अहेड फ्रॉम चक्राता। तो भाई चक्राता के गेट पे आ गए हैं, यहाँ पर चाय पियेंगे। बंसल जी कह रहे हैं कि चाय वाला है फेमस। तो भाई ये देखो चक्राता, क्या किला सा है ये। तो भाई ये है जोनसार का कल्चर, जोनसार का पहनावा। ये चक्राता का जो मेन गेट है ना, यहाँ पर एक अदरक का जूस मिलता है, वो दिखाता हूँ। दिखाना दिखाना, ये है वो। अरे इनके इनके मतलब क्वांटिटी बढ़िया है। पुदीने का, पुदीने का जूस भी है भाई। इसको कैसे पिया, कैसा लगा ये पुदीने का जूस पानी? ठीक है भाई। यहाँ पे तो हरी मिर्च भी है। ये हरी मिर्च कौन सी है, चरचरी वाली है? चलो भाई 10 की हरी मिर्च ले लेता हूँ। तो भाई यहाँ से ट्यूनी 82, आराकोट 96, टाइगर फॉल 18, शिमला 211, लाखामंडल 64। ये रास्ता भी वैसे शिमला जाता है रोहरू से होते हुए, रोहरू काफ़ी फेमस है रोहरू। तो दोपहर का नज़ारा चक्राता के मार्केट का। कुछ बंदों ने रसगुल्ले लिए हैं, पहले खा के बताओ उसके बाद। मैं और सैनी भाई एक देना चटनी डाल के, बढ़िया दोनों तरह की चटनी डाल देना। तो भाई समोसा ट्राई किया इनका, सुपर समोसा भी अच्छा है, मिठाई भी अच्छी है इनकी। और भाई उस तरफ देखो किस तरफ बैठने का, उस तरफ खाई में बिल्कुल, बहुत पुराने ज़माने का बना हुआ है। चाय 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 कहाँ है? अरे इसमें नहीं चाहिए, बहुत है मेरे लिए तो इतनी, कोई नहीं। तो भाई चाय में स्वाद आ गया, मैंने तो कांच के गिलास में पिए, मैं इसमें पीता, इसमें स्वाद आता है। 2:45 बज गए हैं और काफ़ी टूरिस्ट आ रहे हैं चक्राता में भी लगातार। अब यहाँ से चलते हैं चक्राता विकासनगर होते हुए देहरादून। रस्ते में एक, अरे रस्ते में एक जगह पड़ेगी सैया, अरे मुझे छोड़ के जा रहे थे क्या? रास्ते में कुछ कैंप दिखे हैं भाई, बहुत बढ़िया। ये ग्रीन मार्क रिजॉर्ट है और ग्रीन मार्क देवदार ड्रीम रिजॉर्ट भी लिखा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे दो हैं, एक वहां पर है एक वहां पर है। जो ग्रीन मार्क रिजॉर्ट रेस्टोरेंट है वो यहाँ पर है, ये कैंप ही है इनके पास। और जो उस तरफ दिख रहे हैं ना वो पूरे, वो हैं ये देवदार ड्रीम रिजॉर्ट। तो अगर आप गूगल पे करेंगे ना देवदार ड्रीम रिजॉर्ट चक्राता, तो आपको ये मिल जाएंगे। तो ठीक है भाई, किसी को चक्राता से कुछ किलोमीटर पहले अगर यहाँ पे भी रुकना है तो बता देना, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट लिंक है, तो आप यहाँ भी रुक सकते हैं। बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, पहाड़ों की गोद में सुंदर नज़ारा है, एक्सेप्शनल, मतलब ऐसा मिलता नहीं है। ऊपर टॉप पे चक्राता है, अभी वहाँ थे हम, ऊपर टॉप पे चक्राता है। वाह बेहतरीन, मज़ा आ गया देख के। लेट्स मूव अहेड। मैंने वहाँ फैक्ट्री डाली थी दिल्ली में। रास्ते में एक स्टॉप और लिया है, यहाँ से शायद बंसल जी कुछ खरीदारी कर रहे होंगे। और भाई यहाँ पे ना, इस जगह की बात मुझे अच्छी लगती है कि यहाँ पे ना बहुत सारे खेत हैं और सब कुछ ऑर्गेनिक उगता है यहाँ पे। कुछ मिला काम का? पिछली बार लिया था ना, अच्छा निकला था। ये कितने का पड़ेगा? ये कांच वाले बाउल में जो 150 रुपए का है। अच्छा, और एक किलो वाला प्लास्टिक के बाउल में जो है वो 200 रुपए का है। वो 200 का है, नहीं यही ले लेता हूँ, लेके जा रहा हूँ मैं तो। अच्छा वो सस्ता पड़ेगा ना। तो भाई ये है पहाड़ी नमक, घर का बना हुआ, कुछ अलग है भाई। ये ले रहे हैं बंसल जी, नसबरा में भी ले लेता हूँ एक। चलो थोड़े से खेत घूम लेते हैं, देखते हैं कुछ मिलता है क्या खाने पीने का, कुछ उगा रखा हो इन्होंने। तो भाई यहाँ पे एक फैमिली बैठी हुई थी, मैंने इनसे पूछा कोई खेत में कुछ हो रहा है क्या, कह रहे अभी नहीं, अभी सिर्फ मटर हो रहे हैं, अभी कुछ खाने पीने का होगा तो 2 महीने बाद ही होगा। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे घूमने में। यहाँ पे देखो कितना पुराना घर है ये, कुछ बकरियाँ हैं, मुझे देखती डर गई। तो भाई सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और भाई हम कहीं भी किसी भी इलाके में जाते हैं ना, वहीं से शॉपिंग करते हैं। जैसे कि अभी ये यहाँ का फेमस नमक,
इसको भी ले रहे हैं। यहाँ पे एक एल्बम मिली है, ये देखते हैं भाई कैसी है। अच्छा ये तो इनकी अपनी वो है जो ये सोशल सर्विस कर रहे हैं, गांव से इकट्ठा करते हैं ना ये गांव की औरतें हैं। देखो जौनसार कल्चर भाई, इस तरह का पहनावा आता है जौनसार में। ये देखो गांव की औरतों को इकट्ठा करके मीटिंग चल रही है। क्या बेच रहे हो जी? ये रजाई के कवर है जी, कद्दू के कवर। अच्छा अच्छा भाई, पहाड़ी नमक ले चुके हैं और ये देखो भाई किस तरह से बन रहा है। क्या नाम है भाई साहब का? और ये चुटकी भी नमक बना रही है यहाँ पे। ये आ गया भाई सही है, ये यहाँ का लोकल मार्केट। यहाँ पे पहले हमारा प्लान था यहाँ पे रुकने का, यहाँ पे एक फेमस पराठे वाला और पर, लेकिन अब रुक नहीं रहे हैं, अब सीधा रुकेंगे विकास नगर, क्योंकि हमने चक्राता में भी खा लिया ना काफी। ये रास्ता था वो जिससे हम गए थे और आए चक्राता घूम के, हमने चार और यहाँ पे विकास नगर पहुँच चुके हैं। कार पार्क कर दी है पेट्रोल पंप पे और देखते हैं। आज तो आए हुए हैं भाई ये राजमा चावल वाले फेमस, यहाँ बन रहे तो यहाँ पे राजमा और कड़ी मिलती है। ये कड़ी और चटनी, जैसे ही हम विकास नगर से निकले तो हमें मिले हैं चाय के बगान। सिर्फ इसको देखने के लिए हम यहाँ पर रुक गए थे भाई। इस तरह के बगान ना मैसूर में होते हैं, लेकिन वहाँ पे हाथी होते हैं, यहाँ पे गायें हैं, दार्जिलिंग में भी हैं। ये देखो कितनी सारी गायें घूम रही हैं, कितना प्यारा है। बहुत बड़े में फैले हुए हैं, ये टी एस्टेट है पूरा, इस तरफ भी राइट में पूरा। जो काला दाना होता है, जो चाय पत्ती का काले दाने होते हैं, हाँ हाँ वही पौधे, वही पौधे ना जो काले दाने होते हैं चाय के पत्ते, जो सूख के सूखते हैं ना वो, तो पत्ते इन पत्तों को सुखाते हैं ना ये। ये पत्ते को सुखाते नहीं, इसके दाने। अच्छा दिखाना दिखाना दिखाना, इसके अंदर में अभी हो रहे हैं भाई। ये है चाय की पत्ती, दिखाना। तैयारी हो रहे हैं, इसके तैयारी होने के बाद में ये सब होते हैं। ये बोल रहे हैं दिखाना, ये है भाई वो चाय वो सूख के, ये सुखाते होंगे ना इसको, काला करते होंगे। सुखते हैं, बढ़ते हैं, उसके बाद में काले होते हैं। भाई ये लड़का झारखंड से है, तुम्हें कैसे पता है, तुमने कहाँ देखा? तुम्हारे वहाँ होते हैं? मेरे जगह में होते हैं। फिर तुमने काम किया है कभी? अभी काम नहीं किया, हमें पेड़ से पता चला। इधर कुछ मरा पड़ा है, ये कुछ मरा पड़ा है यहाँ पे सुअर है। ऑलमोस्ट देहरादून में एंटर कर गए और लेफ्ट साइड में मसूरी दिख रहा है, ये पूरा सामने मसूरी, ये मल्लूपुर चौक पे हूँ। आपको चक्राता रोड दिखाता हूँ, ये चक्राता रोड भी काफी अच्छी है, काफी सुंदर है। यहाँ पे रमाडा खुला हुआ है गुड़गांव में भी भाई। ठीक है भाई, पहुंच गया हूँ देहरादून और बंसल जी के घर पे। यहीं से ही शुरुआत करी थी, यहीं पे एंड होती है ट्रिप। सो गाइस रात के बज रहे हैं 8 और फिलहाल घर पहुंच चुका हूँ चक्राता से। अभी मैं थोड़ा पैसिफिक गोल्फ की तरफ जा रहा था, क्योंकि एक बेंगलोर से पता नहीं कहाँ से एक सब्सक्राइबर आया है जिन्होंने 1 BHK इसमें स्टूडियो, जिसमें पैसिफिक गोल्फ में स्टूडियो रेंट पे देखा है, उनसे मिलते हैं। वो फोटोग्राफर है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, देखते हैं कौन है, चलो मिल के आते हैं। अभी मेरे पास टाइम था, मैं देहरादून में था तो बस 5 मिनट के लिए मिलता हूँ। स्कूटी से चलता हूँ और सामने बैठा है माइलो। माइलो मुझे देख भी नहीं रहा कैसे बैठा है। कैसे बैठा है तू? नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। चलो गेट के आगे सटो, आराम से स्कूटी निकालनी पड़ेगी वरना ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है भाई, प्रमोद भाई मिल गए। अच्छा लगा, मैसूर से आए भाई इतनी दूर से, और अभी 3-4 दिन है यहाँ पे, अभी सर्चिंग चल रहा है अपार्टमेंट का। अरे नहीं नहीं बेस्ट है, थोड़ी देर बाद यहीं बैठते हैं, देहरादून में काफ़ी ठंड हो रही है, यहीं पर हाथ सेकते हैं। तो भाई चन्ना किचन वालों ने भी पूरा भाई चेंज कर दिया, ये तभी दिखाता हूँ क्या कर दिया इन्होंने। पूरी अंदर की सेटिंग बाहर कर दी, अंदर पूरा किचन बना दिया भैया ने भाई, पूरा किचन सेटअप अंदर कर दिया, काफ़ी बड़ा कर दिया, मेन्यू भी चेंज कर दिया, अभी दिखाता हूँ। तो भैया का मेन्यू देख लो भाई, कितना बड़ा कर दिया। अगर आप आसपास रहते हैं तो भाई यहाँ से खाना भी मंगवा सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं भैया को। अरे ये भी यहाँ पे आ गई है, क्या चाहिए? रोटी। ठीक है, अभी प्रमोद भाई के साथ यहाँ पे डिनर किया, पनीर खाया और तंदूरी रोटी, काफ़ी अच्छा खाना था, जैसा पहली जैसा होता है चन्ना किचन का। यहाँ पे माहौल एज यूजल, काफ़ी तिप्ती लोग बैठे हैं यहाँ पे, जो रुड़ाते हैं इस वाली दुकान पे चाय वाय पीने ना, और माहौल ऐसा है। प्रमोद भाई ने यहाँ पे देहरादून में आके स्कूटी हायर की है 500 रुपीज़ में,
देहरादून में यही नॉर्मल प्राइस है। पैसिफिक गोल्फ में घूमने जा रहे हैं भाई, इसका क्लब हाउस घूम लेते हैं। प्रमोद भाई ने भी यहीं पे फाइनल किया 1 BHK रेंट पे, और काफ़ी ऑप्शन थे, बहुत जगह देखा इन्होंने, पर बाहर ना भाई सिक्योरिटी नहीं है, सेफ्टी नहीं है। मैंने ही इनको बोला कि भाई लेना है तो पैसिफिक गोल्फ में लो, एंट्री में भले 6 महीने रहो, थोड़ा सा महंगा है और छोटे अपार्टमेंट है, लेकिन कोई बात नहीं, पैसिफिक गोल्फ से अच्छा नहीं है कुछ भी। गोल्फ के अंदर कैफे खुला हुआ है ऐसा भाई, ऐसा कितना बढ़िया कैफे खुला हुआ है, ये देखो भाई पैसिफिक गोल्फ रात में देखो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत शांत इन्वायरमेंट, बहुत कम लोग बाहर निकले हुए हैं ठंड में। और देखो वो वाली बिल्डिंग है, वो है ABC डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक के बैक साइड में ऊपर पहाड़ और मसूरी। वाओ, अभी थोड़ा सा प्रमोद भाई के साथ जा रहा था मैं सेकंड वाले क्लब हाउस में, मैं कभी नहीं गया उसमें, तो उसमें चलते हैं देखते हैं क्या है। फर्स्ट वाला तो मैंने देख ही लिया, वो तो मैंने आपको भी काफ़ी बार दिखाया है। तो भाई ये सेकंड वाला क्लब हाउस है, इसको अच्छे से घूम लेते हैं आज। बिलियर्ड्स टेबल है उधर, थोड़ा सा जिम छोटा है उससे फर्स्ट वाले ब्लॉक से, तो ये पूल है यहाँ पे, रात में इतना नहीं दिख पाएगा। इस रैकेट का कोट, प्रमोद भाई भाई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, प्रोफेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। तो भाई मैं इनसे कुछ काफ़ी सारी बातें करी, तो अभी बातों बातों में पता चला इनकी एक मैगजीन है केरला में आती है, उसमें इनका फोटो पब्लिश हुआ है, ये फोक्स वाला ना। तो भाई ये मैसूर में ना रिंग रोड पर टीपी नगर में रहते हैं, और वहाँ पे इन्होंने अपने घर से ये फोक्स का फोटो लिया है भाई, ये देखो मैगजीन में आया है, कितना बढ़िया है। और ये किसकी है, ये भी आपका है ना भाई, तीन पेज मेरा। अच्छा ये 3 पेज ही निकाय भाई, टाइगर भी, ये टाइगर कहाँ पे, ये पेंच का है, और ये वाली बर्डिंग कहाँ पे, दांडेली। वाओ, ये भी आपका, ये पूरा, ये देखो भाई, ये देखो ओवल्स, वाओ चार टाइप का, चारों टाइप के ओवल्स आए हैं, और देखो पूरा आर्टिकल लिखा गया है भाई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये है क्या लिखा हुआ है। ये सिक्किम का है, सिक्किम गए थे। ये एलिफेंट कहाँ का है, ये कभी नहीं गए, तो घर के पास ही है इनका। और भाई अच्छा देखो टाइगर, ये एक ही पिक्चर है ना, ये अलग अलग है, अच्छा ये अलग है, ठीक है। गिर तो भाई यहाँ पे भी राजा जी में भी आए हुए हैं, ये क्या कर रहा है भाई, अच्छा ये लेपर्ड खेल रहे हैं, ये कहाँ का है, बच्चे को सहला रहा है। अच्छा ये भी कभी नहीं कहा, इसके साथ बच्चा है, ये मदर और चाइल्ड है, बस इतना है, इतना इतना, अरे वाह। तो भाई प्रमोद भाई अभी ट्रेवलर्स हॉस्टल में रुके हुए हैं यहाँ पे, हालांकि उन्होंने मुझसे पूछा नहीं, वरना मैं हॉस्टलर में सजेस्ट करता, क्योंकि देहरादून में हॉस्टलर भी खुल चुका है। अगर कल इनको अपार्टमेंट का हैंडओवर नहीं मिला तो ये ट्रेवलर हॉस्टल से चले जाएंगे हॉस्टलर हॉस्टल में, हॉस्टल तक काफ़ी अच्छा है, नीट एंड क्लीन है। बल्कि अगर मुझे मौका मिला ना, अगर ये हॉस्टलर में पहुंचे तो मैं स्पेशल हॉस्टल में जाके उसकी शूटिंग करूंगा, हॉस्टलर के, हॉस्टलर को दिखाऊंगा कि देहरादून का हॉस्टलर कैसा है। तो प्रमोद भाई का ये इंस्टाग्राम पेज है वाइल्ड सागा, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और फॉलो भी कर सकते हैं। तो ठीक है, आई एम बैक टू होम, अब करते हैं कुछ लैपटॉप में काम, और मिलते हैं कल मॉर्निंग में, और कल एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा भाई, वो तो खैर इस वीडियो से भी पहले आ जाएगी कि मसूरी में स्नोफॉल आने वाला है भाई परसों, और हो सकता है परसों रात मेरी लैंडोर में बीते सेम रूम में जिसमें मैं पहले रुका था, तो मज़ा आने वाला भाई, स्नोफॉल जम के दिखाऊंगा। और फिर उसके बाद मुझे 26 में जाना भी है सोनीपत शादी में, तो फिर वहाँ भी चलेंगे, वो भी दिखाऊंगा, उसका ब्लॉग भी बनेगा। फिर उसके बाद पहले लैंडोर जाना है, फिर सोनीपत शादी में जाना है, फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फिर कुछ सफारी करेंगे, क्योंकि फेबररी है, फेबररी आ जाएगा, फेबररी में जम के सफारी करेंगे, सफारी के व्लॉग बहुत ज़्यादा आएंगे, बाकी फालतू इधर उधर का कोई व्लॉग नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग मेरे वाइल्ड लाइफ के, सफारी के, वाइल्डनेस के, इन सब चीज़ों के आने वाले हैं। हो सकता है टाइम मिला तो एक दो जगह कैंपिंग भी कर लेंगे, और क्या करना है, और क्या करना है, हाँ साइकिलिंग भी कर सकता हूँ, साइकिलिंग अभी करूँगा, मार्च में करूँगा, अप्रैल में करूँगा, वो चलो देखेंगे। पर यह है कि प्रमोद भाई भी इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो उनके साथ भी मैं थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफिंग कर लूँगा, उसके साथ टिप्स ले लेंगे, उनको भी दिखा देंगे थोड़ा सा कि आसपास किस तरह की बर्ड्स हैं, और हो सकता है उनके साथ भी हम कुछ सफारी कर लूँ। तो फिलहाल तो यही रहेगा भाई, अपनी लाइफ ऋषिकेश के अराउंड है, देहरादून मसूरी लैंडोर के अराउंड है, और राजा जी नेशनल पार्क कॉर्बेट के अराउंड है, अपनी लाइफ फिलहाल यही चल रही है और यही रहने वाली है। बहुत लोग कहते हैं तुम इस इलाके को छोड़ के वहाँ चले जाओ, वहाँ चलो, मैं क्यों चला जाऊँ भाई, इस इलाके को ही मैं कम्प्लीट नहीं दिखा पा रहा हूँ। आप लोग बोर हो रहे हो तो मत देखो भाई, भाई मैं तो यही दिखा सकता हूँ, और ये बेस्ट है भाई, हम बेस्ट जगह पे बैठे हैं, इंडिया की बेस्ट जगह पे बैठे हैं, इंडिया की नहीं वर्ल्ड की बेस्ट जगह पे बैठे हैं हम, तो मैं तो यही दिखाऊंगा भाई। तो स्टे ट्यून, देखते रहिए मेरे ब्लॉग सुभाष चौधरी ब्लॉग्स को, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर।